हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवासी स्टूडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस। यस, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है क्या, आइए देखते हैं। इफ टैन 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का क्या वैल्यू होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में है क्या, देखिए, सीन्स टेन 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये ऐसा गिवन है। ये कॉट में है और ये टेन में है, तो हम चाहते हैं कि ये भी जो है वो कॉट में आ जाए, ये कॉट में आ जाए। तो चलिए एक फॉर्मूला इसमें यूज कर लेते हैं। क्या कि टैन थीटा है तो इसके जगह पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। क्लियर है? अब देखिए, इफ टेन ए इज इक्वल टू और कॉट से रिलेटेड है तो कॉट लिख लेते हैं यहां पे। इफ कॉट ए इज इक्वल टू कॉट बी देन ए इज इक्वल टू बी। यस, तो यहां पे कॉट 90 माइनस 2 इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री माइनस 2 इज इक्वल टू ए माइनस 18 डिग्री। अब करना क्या है, ये 19 डिग्री प्लस 18 डिग्री, 18 को इधर ले आए इज इक्वल टू ए और इस 2a को इस साइड पे ले आ रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 108 डिग्री इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 बाई 3, दैट मीन्स 3 3 9, 3 6 18, सो a इज इक्वल टू क्या हो गया 36 डिग्री।